अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज सुबह सुबह के टाइम मैं जावर को छोड़ने गई थी, और छोड़ने के बाद जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे ये परिंदे आसमान की तरफ जाते हुए नज़र आए थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो ये मैं आपके साथ जो इनका जो एक क्लिप है वो वीडियो जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ जो हल्की हल्की बारिश है वो भी सारा दिन होती रही थी, तो बारिश तो होती रही, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी जिसको मैंने ओट्स के साथ बनाया। यहाँ पे इस तरह के ओट्स मिलते हैं। इसके अलावा मैं कल लेकर आई थी जो बायो ओट्स होते हैं वो भी, और दो तरह के थे, लेकिन तकरीबन इनका जो जायका था वो सेम ही था। तो इनको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था गर्म पानी में। उसके बाद इसमें मैंने जो मसाले थोड़े से डाले हैं उसमें ज़ीरा, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, ये आधा प्याज, थोड़ी सी मिर्चें और एक चम्मच बेसन का है, और एक ही अंडा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं, तकरीबन ये 4 चम्मच मैंने ओट्स के लिए थे, और इसमें तकरीबन 150 कैलोरीज होंगी, और अंडे में भी तकरीबन 90 कैलोरीज होती हैं। और इससे तकरीबन आपके जो चिल्ला, ये एक तरह का चिल्ला ही बनेगा, या फिर आप इसको ओट्स ऑमलेट भी कह सकते हैं। तो तकरीबन 5 या 6 आपके जो चिल्ले हैं वो बड़े आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो बैटर है ना वो काफ़ी अच्छा बन गया। और यही बस ज़रा हमने गाढ़ा गाढ़ा रखना है इसको ग्राइंडर में, अगर आप ग्राइंड कर लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसको हमने बनाना है कोकोनट ऑयल के साथ, बिल्कुल। और कोकोनट ऑयल की एक ख़ास बात ये है, जब आप चिल्ला बनाते हैं या अगर आप पराठा भी बनाएं या रोटी पे लगाएं, कि इससे मतलब, अभी मैंने 1 चम्मच यहाँ पे लिया है चाय का, तो उससे तकरीबन 2-3 जो चिल्ले हैं वो बड़े आराम से बन गए थे, क्योंकि मेरे पास जो पैन है वो भी नॉनस्टिक है, तो इसलिए जो कोकोनट ऑयल है वो बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं होता। और मैं कल एक वीडियो क्लिप भी देख रही थी कि उसमें बता रहे थे कि जैसे जो कोकोनट ऑयल है वो सबसे अच्छा ऑयल है अगर आप उससे खाना बनाते हैं, या फिर वेट लॉस के लिए आप उसको अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो मैं आपको ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ कोकोनट के जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो तो तकरीबन सारों को पता है। और इसे आपने ना लो जो हीट होती है ना उस पे ही बनाना है, ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ बनाई थी जी थोड़ी सी योगर्ट, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो मिर्चें होती हैं रेड चिली पाउडर वो डाला था, और उससे इसका जो टेस्ट है चिल्लों का इसके साथ वो बहुत अच्छा आया था। और इसको ज़्यादा अगर आपने टेस्टी बनाना है ना तो एक बिल्कुल छोटा सा जो लहसुन का जवा होता है वो आपने लेके तो इसमें कश कर लेना, बिल्कुल छोटा सा, जैसे 1 इंच से भी जो कम हो या फिर 1 इंच इतना, तो उससे इसका जो टेस्ट है चिल्लों के साथ बहुत अच्छा आता है। अगर आप चिल्ले में लहसुन डालेंगे तो उसकी स्मेल आएगी, लेकिन अगर इस तरह अगर आप योगर्ट के साथ मिक्स कर लेते हैं तो इसका जो टेस्ट है ये बहुत अच्छा आता है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और अगर आप कहते हैं कि बहुत हैवी भी नहीं नाश्ता हमें चाहिए और पेट भी फुल हो जाए, तो ये जो नाश्ता है ये बहुत अच्छा है आपके स्टार्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 चिल्ले बनाए हैं, और इसके बावजूद मेरे पास जो बाकी का बैटर है वो बच गया था, इसे मैं बाद में डिनर वगैरह में फिर इस्तेमाल कर लूँगी। और ये था जी मेरा आज का नाश्ता। और इसकी जो आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है या इसका देखने में भी ये बिल्कुल ऐसे पराठे की तरह के लगते हैं, और बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के। तो इसको आप ज़रूर आप घर में बनाएं, और आपके मुँह में मुझे लग रहा है अभी पानी भी आ रहा है, तो आप इसको बनाएं और फिर आपने मुझे बताना है कमेंट में कि कैसे क्या आपको ये लगे, या फिर आप जो हेल्दी एक ब्रेकफास्ट है वो कैसे बनाते हैं। तो ये तो था मेरा नाश्ता, और जावर उठा इसके बाद और उसको उसकी तरफ चलते हैं कि वो कहाँ पे बैठा होगा। आज मैंने बनवाया था जी जावर से खाना, और जावर ने बड़े शौक से खाना बनाया, और फिर मैंने इसकी जो वीडियो है वो भी बनाकर
तो अपने YouTube के जो फूड चैनल है मेरा, उस पर अपलोड की थी। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, बल्कि ज़रूर विज़िट करें। और अगर सब्सक्राइब भी करना चाहें तो ज़रूर करें, हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत होती है, यकीन मानें। इसके अलावा मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बल्कि हिम्मत करने की कोशिश कर रही थी कि मैं घर में वैक्स तैयार करूँ, हेयर रिमूवल वैक्स जो होती है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो भी बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बाज़ार से बहुत महंगी जो है वैक्स मिलती है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास जो है भर के वो चीनी ली है, और एक जो लीमू है, यहाँ का जो लीमू होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो वो एक लीमू का रस ही इसमें काफ़ी है। अगर आपके पास छोटे लीमू हों, छोटे साइज़ के, तो तकरीबन 3.5 चम्मच जो है लीमू इसमें डालना है आपने, और 1/4 जो कप है वो 1/4 कप वो पानी का आपने इसमें डालना है और इसको कुक करना है। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं क्योंकि टाइम नोट कर रही थी कि कितना लगेगा, तो ये पूरे 5 मिनट के बाद ये जो इसके जो बबल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और ये अच्छे तरीके से तड़पनी शुरू हो जाती है। तो 5 मिनट गुजरने के बाद ये इसकी हालत थी, लेकिन इसके बाद हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, और इसकी जो हीट है वो हमने हाई फ्लेम पर इसको हमने कुक करना है ताकि ये ज़रा जल्दी बन जाए। और 5 मिनट गुजरने के बाद, अगले 5 मिनट मतलब 10 मिनट गुजरने के बाद ये जो है अपना कलर चेंज करना शुरू कर देती है, ब्राउन होना शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज पर हमने इसमें ऐड करना है हनी। तो तकरीबन मैंने इसमें डाले थे 3 चम्मच जो शहद के, शहद कोई भी आप ले लें जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास ऐसा शहद जिसकी डेट ओवर भी हो गई होती है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको ये तैयार है, इसको बस हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी है, क्योंकि जब इसको आप पानी में से डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है और थोड़ा सा जो थिक होती है इसकी पेस्ट वो लगती है। तो इसको चेक कर लिया मैंने, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब ठीक बन गई है। और बहुत मैंने इसको शुगर पेस्ट टाइप की नहीं बनाया, तो बस इसको अब हम आँच इसकी बंद कर देंगे और इसके जो बबल्स हैं वो ख़त्म होने का वेट करेंगे। इसको मिक्स करते जाएंगे, और कोई भी शीशे का जार आप लें उसमें इसको आप डाल के रखें, क्योंकि अगर आप दोबारा इसको इस्तेमाल करना चाहें तो फिर इसी शीशे के जार में जार को आप या तो गर्म पानी में रख कर या फिर माइक्रोवेव में आप रख कर इसको दोबारा से गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैक्स को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो गया हुआ है, मतलब ये अभी भी गर्म है लेकिन ठंडी नहीं हुई। तो आए इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये ठीक भी बनी है कि नहीं, या कि इससे अगर आप बाल साफ़ करना चाहते हैं तो वो ठीक से बाहर भी रिमूव भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो मेरे पास ये लकड़ी का चम्मच है जिससे मैं ट्राई करूँगी। मेरे भी इस वक्त बाजू पे जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ अनइवन है, लेकिन फिर भी मैं इसको टेस्ट करती हूँ कि ये कैसे का बना है। तो मैंने थोड़ा सा इस पे लगाया है अपने बाजू पर, और इसकी जो हीट है अभी तक काफ़ी है क्योंकि ये प्रॉपर ठंडी नहीं हुई, और ठंडी अगर हो भी जाए तो फिर आपको मस्ट इसको दोबारा गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया। शुगर वैक्सिंग का आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो आपके स्किन पे जो डेड स्किन आई होती है वो इस वैक्स से रिमूव हो जाती है और आपको एक्स्ट्रा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए भी इसको ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो मेरा जो वैक्स का जो तजर्बा था घर में बनाने का वो तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि अच्छे तरीके से इससे बाल खींचे गए थे। तो और मेरा जो व्लॉग है वो भी आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते डिनर में मैंने बच्चों को बना के दिया था पिज़्ज़ा, तो बच्चे इसको एंजॉय करेंगे और मैं भी। तो फिर मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।